नमस्कार, आदाब, हेलो मेरे प्यारे मित्रों। आज बताइए मैं आपको इस वीडियो में क्या दिखा रही हूँ। जी हाँ, जैसे कि रोशनियों का त्यौहार का मौसम चल रहा है, आपको पता ही है दिवाली आने वाली है, तो मैं आज आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि तरह तरह से रोशनी से अपना घर कैसे सजाएं, मतलब कि दिया से या कैंडल से या फिर लाइट से आप अपना घर कैसे सजाएं अपने ही घर के सामान से। तो चलो देखते हैं ये वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोशनी से आप अपना घर कैसे सजाएं, तो ये देखिए, ये मैंने एक घर के ही ग्लास जार को लिया है और ये आइडिया नंबर वन है। इसमें जो पेपर डॉयलीज मिलती हैं, यानी कि लेस वाली जो पेपर मिलती हैं, जो कि हम कोस्टर्स की तरह यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल सेक्शन में आप देखना सुपरमार्केट में रखे होते हैं, पार्टीज़ वगैरह में लोग ये यूज़ करते हैं टेबल पे रखने के लिए, उसको हम ग्लास जार पे विद द हेल्प ऑफ ग्लू हम उसको चिपका देंगे, स्टिक कर देंगे। ये आप नेट पैटर्न वाले ही लीजिए, क्योंकि जब आप नेट पैटर्न वाले लेंगे तो इससे एक बहुत अच्छा लुक आएगा जब आप लाइट्स अंदर रखेंगे। जैसे कि हम पेपर स्टिक कर रहे हैं, तो हमें हमेशा इलेक्ट्रिक लाइट्स या बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स ही इसके अंदर रखेंगे। मोमबत्ती उस टाइप की जिसको हम माचिस से जलाते हैं, आग वाली नहीं रखेंगे, वरना पेपर जलने लगेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक या फिर बैटरी ऑपरेटेड वोटिव लाइट्स ही इसके अंदर रखिए। अभी ग्लास जार के अंदर मैंने देखिए चिपका दिया, मिनटों में चिपक जाता है। अब मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा रिबन, या आपके पास जो भी कोई नेट टाइप का रिबन या जो भी कलर का रिबन है, वो आप बांध दीजिए इसके रिम पर, ग्लास रिम पर। ये ग्लास बॉटल्स दिवाली की सफाई में काफ़ी सारी आपके पास निकली होंगी, तो इसको अच्छे से धो के, इनके स्टिकर्स निकाल के, इसके अंदर वोटिव लाइट्स जला के आप इसको जला सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट ले रही हूँ न्यूज़पेपर मैसिंग जार, मतलब जो आपके जार्स हैं जैम्स के, उसके ऊपर एक पतला सा न्यूज़पेपर चिपका दीजिए। हार्ट शेप मैंने कट कर दिया है और ऊपर रिबन लगा दिया है, तो इससे क्या होगा कि न्यूज़पेपर पतला वाला जो होता है उससे एक शेप आएगा। अब ये पोटली बैग लैम्प, तो पोटलीज जो आपको गिफ्ट में मिलती हैं फेस्टिवल पर, उसके अंदर आप वोटिव लाइट्स डाल दीजिए बैटरी ऑपरेटेड, और उसे टांग दीजिए जहाँ भी आपको डेकोरेशन करना है। अब ये है स्टेंसिल मेसन जार, तो कोई भी जार पे आप सेलो टेप लगा के उस पर स्प्रे पेंट से पेंट कर दीजिए, ग्लिटर डाल दीजिए। अब ये है ग्लिटर जार, तो इस जार पे मैंने ग्लू लगाया है और उस पर ग्लिटर डस्ट कर दिया है। जगह जगह मैंने टेप लगा दिया था शेप में, लीफ की शेप में, तो वहाँ पर ग्लू नहीं लगाया और ग्लिटर नहीं आया है। इसके अंदर मैंने बैटरी ऑपरेटेड लाइट रखी है और ऊपर से नेट लगा दिया है, तो ये इससे ये बहुत ही ज़्यादा ग्लिटरिंग लैम्प का लुक आता है। अब ये है कार्डबोर्ड बॉक्स लैम्प, कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स ले लीजिए, उसके अंदर आप ट्रांसपेरेंट पेपर लगा के अंदर वोटिव लाइट या इलेक्ट्रिक लाइट रख के आप ये लैम्प अपने ही घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। चाहें तो आप इसे टांग सकते हैं, तो एक कंडील का या लालटेन का लुक देगा। देखिए, मैंने दवाई का डिब्बा लिया है, इसको मैंने ओपन किया है। कोई भी दवाई का डिब्बा ले लीजिए या कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स ले लीजिए, पहले से मेरे पास एक मैंने कट करके रखा है। अब ये जो वैक्स पेपर होता है जो केक के टिन में लगाते हैं आप, उसको मैं उस साइज़ का कट करके उधर लगाऊंगी। बीच बीच में मैंने रेक्टेंगल्स काटे हैं या सर्कुलर काटे हैं, जस्ट फॉर द शेप के बीच में लाइट्स आए। अब मैं इस पर वैक्स पेपर अंदर से चिपका दूंगी, इसे आप अंदर से चिपकाइए। ये देखिए चिपक गया। अब मैं ऊपर से इसे पेंट कर दूंगी, ग्लिटर्स डाल दूंगी। अब मैं ट्रांसपेरेंट कलर यानी वाटर कलर या ग्लास कलर से वैक्स पेपर कलर कर दूंगी। अब मैं पेपर को, ये कार्डबोर्ड को फोल्ड कर दूंगी, तो बन गया। अब ये देखिए स्ट्रिंग लाइट लैम्प, कोई भी ग्लास जार लीजिए, इसके अंदर आप वूलन पॉम पॉम्स या कोई भी कुछ भी मोती या बीड्स रख लीजिए। मैंने यहाँ पॉम पॉम्स यूज़ करी हैं, और स्ट्रिंग लाइट्स जो कि आप ख़रीदते हैं, ये मैंने बैटरी ऑपरेटेड ली है, वो आप इसके अंदर भर सकते हैं। ये देखिए, ये बैटरी ऑपरेटेड है। अब मैं इसके अंदर पहले पॉम पॉम्स नीचे रख दूंगी, जिससे कि लाइट नीचे एकदम डायरेक्ट नहीं टच हो उससे, तो एक अलग रिफ्लेक्शन आएगा। अभी मैंने वूलन पॉम पॉम्स रख दिए, पॉम पॉम्स भी मैंने ही बनाए हैं। अब ये देखिए, मैं लाइट्स धीरे से बहुत ही डेलिकेटली इसके अंदर रख दूंगी। बीच बीच में आप पॉम पॉम्स दे सकते हैं, तो लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी इसके थ्रू, क्योंकि पॉम पॉम्स के जो वो बाल जैसे, मतलब वो जो वूलन वो होते हैं, उसमें कहीं लाइट होगी कहीं नहीं होगी, तो बहुत अच्छा एक लुक आएगा। तो ये देखिए, ये मैंने पॉम पॉम्स के ऐसे घुसा दिए हैं।
अच्छे से मैं इनके ऊपर फिर से लाइट कर दूंगी, और इसका जो बैटरी ऑपरेटेड वाला है वो मैं इसके ऊपर एज अ लिड या ढक्कन टाइप इसको रख दूंगी। तो वैसे आप इसमें इलेक्ट्रिक वाला भी लगा सकते हैं, पर फिर आपको स्विच बोर्ड के पास इसे रखना पड़ेगा। बैटरी ऑपरेटेड अगर मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप ऑनलाइन ट्राई करिए, वहाँ भी मिल सकता है या सुपर मार्केट्स में आजकल ईजीली मिलता है। ये देखिए, ये जल गई लाइट्स, है ना। तो ये इस तरीके से बहुत प्यार, ये कैटल लाइट, टी पॉट कैटल लाइट। वैसे तो कैटल से चाय या कॉफ़ी निकलती है, ये देखिए मेरे उसमें से लाइट निकल रही है। ये मेरी हैंड प्रिंटेड कैटल्स हैं, एल्युमिनियम कैटल्स हैं। आप कोई भी कैटल ले सकते हैं, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर। अब ये देखिए, जो कैटल का माउथ होता है ना, जहाँ से चाय हम निकालते हैं या पोर करते हैं, उसके अंदर से हमें लाइट की जो स्ट्रिंग होती है, ये जो फेरी लाइट स्ट्रिंग लाइट्स आती हैं, उसको निकालना है। ये देखिए मैं इस तरीके से इसे घुसा रही हूँ यहाँ से। बैटरी ऑपरेटेड ही इसे लीजिए, इलेक्ट्रिक वाली इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि फिर वरना आपको लिड खुला रखना पड़ेगा और लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आ रही है। अब मैं इसको इस तरीके से निकालूंगी कि ऐसा लगेगा कि जैसे कि चाय के बदले लाइट्स हम निकाल रहे हैं, कैटल से गिरा रहे हैं। और इसको आप इस ऐसे सजाइए कैटल को टेढ़ा करके कि लगे कि कैटल में से लाइट्स गिर रही हैं, जैसे चाय गिरती है जब हम पोर करते हैं, तो मतलब लाइट्स पोर हो रही हैं कैटल से, ये हम लुक देना चाहते हैं। तो गार्डन्स में, बालकनीज में, कोर्टयार्ड्स में ऐसे अगर कैटल लटके हों तो बहुत अच्छे लगते हैं। इवन किचन डेकोर के लिए भी बहुत प्यारा लगता है। अब मैं दो तीन लड़ी का इसे कर दूंगी, उसके अंदर फंसा दूंगी, उसके माउथ में। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये देखिए मैं ऐसे। और ये मैंने थोड़ी स्ट्रिंग लाइट कड़क वाली ली है, जिसका ये कड़क होता है वायर, तो इससे वो मैं उसे सेट कर सकती हूँ शेप में। अब मैं इसको सबको अंदर रख दूंगी जो बची हुई है, चाहें तो आप और निकाल लीजिए। अब ये मैं देखिए लाइट ऑन करूंगी, ये लाइट ऑन करके लिड ढक दीजिए। अब हम इस कैटल को जब टांगेंगे तो ऐसा लगेगा कि लाइट पोर हो रही है, ये देखिए। तो आप इसे कहीं भी टांग सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगेगा कि कैटल में से लाइट निकल रही है। सबसे पहला लुक तो ये आएगा। अभी देखिए, मोज़ेक स्टेन ग्लास जार लैम्प, टर्किश लैम्प आपने देखे होंगे, अरेबिक लैम्प देखे होंगे कलरफुल से, वो कांच के टुकड़ों से बनते हैं। पर यहाँ हमने कांच के टुकड़ों से नहीं, ट्रांसपेरेंट पेंट से बनाया है। कोई भी ग्लास जार ले लीजिए जो घर में आप बॉटल डिस्कार्ड करते हैं, ये देखिए उसके अंदर हम वो ट्यूबलाइट या स्ट्रिंग लाइट्स रखेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर लाइनर से डिज़ाइन पैटर्न फ्री हैंड बनाऊंगी कोई भी, और फिर उसके अंदर ट्रांसपेरेंट ग्लास कलर्स फिल करूंगी। ट्रांसपेरेंट ग्लास कलर्स आजकल मार्केट में इजीली मिलते हैं। ट्रांसपेरेंट इसलिए लेना है तभी लाइट्स रिफ्लेक्ट होंगी। ये देखिए मैं फिल कर रही हूँ, फ्री हैंड ड्राॅइंग है, ज़्यादा इसमें मेहनत की जरूरत नहीं है। आप कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। जब आप लाइट्स रखेंगे तो ट्रांसपेरेंट कलर्स बहुत ही प्यारे से शो होंगे। आउटलाइनर लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कलर्स वरना फैलने लगती हैं। ये देखिए कोई भी अरेबिक लैम्प की तरह ये लगेगा, चाहे तो आप इसे, हाँ अभी देखिए ये डॉली लैम्प ही आ गया, पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से। उस लैम्प को मैंने पूरा ढका था, इसमें मैंने नीचे बेस को ढकाया और ऊपर ग्लिटर से डस्ट किया है। ये ग्लिटरी लेस, जो लेस आप चाहें तो वो जो कपड़ों का लेस आता है वो भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पेपर डॉली लगाएं। कपड़ों की भी क्रोशेट वाली लेस जो घर पे बनाते हैं वो भी आप इस पे लगा सकते हैं चारों तरफ। पर आप याद रखिए इसमें इलेक्ट्रिक लाइट या बैटरी ऑपरेटेड लाइट ही रखिए, वरना गर्म होने लगेगा, आग वाली लाइट रखेंगे। ये देखिए मैं ग्लिटर से डस्ट कर दी। अब ये है रॉड लैम्प, स्ट्रिंग लाइट रॉड लैम्प। कोई भी पेपर रोल, ये जैसे टॉयलेट रोल या एल्युमिनियम फॉइल का रोल बचता है, उसे कट कर लीजिए शेप में, जितना बड़ा आपको रॉड चाहिए। चाहें तो बहुत लंबा भी रख सकते हैं। अब मैं इसके चारों तरफ स्ट्रिंग लाइट लपेट दूंगी। आप चाहें तो बड़ी वाली स्ट्रिंग लाइट भी ला सकते हैं, जो 300 लाइट वाली होती है, 1000 लाइट वाली होती है, तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी घना रॉड बनेगा। उसको चारों तरफ मैं लपेट के दोनों एंड्स मैं स्टिक कर दूंगी, और जब मन चाहे तब। अब ये देखिए लाइट जल रही है और बैटरी ऑपरेटेड लिया है, जब देख, और इसको मैं कहीं भी खड़ा कर दूंगी, एज ए डाइनिंग टेबल पे, या कहीं आप खाना खा रहे हैं उधर आप खड़ा कर दीजिए, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है, एक तरीके से रॉड लाइट जैसा। ये देखिए मोज़ेक है ना। अब आपको कैसे लगे ये लाइट्स के 11 आइडियाज़, मैंने आपको 11 आइडियाज़ दिए हैं। आप इसमें से कौन सा बनाएंगे, ये ऐसा कलरफुल वाला स्टेन ग्लास टाइप का, या रॉड वाला, या लेस वाले, या फिर न्यूज़पेपर वाले। ऐसा ही नहीं है लाइट्स दिवाली पर, ये लाइट्स आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ साइड लैम्प पार्टी में, सेंटर पीस की। ये देखिए कैटल ऐसे लटकती हुई लाइट जो गिरा रही है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी लाइट अच्छी लगी, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, उसमें कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और मुझे बताइए आपने कौन सा क्रिएशन बनाया इस दिवाली पे। तो फिर मिलते हैं, चलो हैप्पी दिवाली।
सजाइए अपना घर रोशनियों से। अब आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। बाय।